उनका साथ ही उनकी ताकत है। वो चांद और तारा है, अंगूठी छाप उन्हें तो मिलना ही था, लेकिन उन्हें कुछ भी याद नहीं। आ जाएगा अलादीन का वापस आना, जफर की जीत नहीं उसकी मौत बन जाएगा। उन सबके चेहरे वही, लेकिन बाकी सब कुछ बदल गया। अब तो आका को किसी लायक ही नहीं मानती। अगर उन्होंने आका को तालीम देने से इनकार कर दिया तो मैं रुखसार को जानता हूँ। वो कोई भी फैसला करने से पहले अलादीन का इम्तिहान लेगी, उसे एक मौका जरूर देगी। बस एक मौका? हाँ, देना तो हम भी नहीं चाहते, पर सुल्तान का हुक्म है तो मानना तो पड़ेगा। कल के इम्तिहान को अगर तुमने पार कर लिया तो हम तुम्हें अपना शागिर्द बना लेंगे। तुमने अपनी जिंदगी में कभी कोई इम्तिहान दिया है? तो फिर सुल्तान को मना क्यों नहीं किया? मना क्यों नहीं किया? अरे वो सुल्तान नहीं, शेर है। शेर, और शेर के सामने अगर चुपड़ चुपड़ चपड़ चपड़ करो ना तो कच्चा चबा जाता है। आज हमारा इम्तिहान देने वाला नौकर यहाँ होता। आका, नौकर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो हूँ, मैं अपने जादू से सब संभाल लूंगा। यही तो बात है जिनू, हम चाहते ही नहीं कि बात संभले, हम चाहते हैं कि बात बिगड़ जाए। मतलब ये कि एक महीना कौन इस कबूतर खाने में रहेगा भाई। मैं यहाँ से निकलने का रास्ता निकाल लिया। कोई तो रास्ता निकालिए बड़ी उस्ताद जी, उस बिगड़ेल शहजादे को यहाँ से दफा कीजिए। चुलबुल, ये इस किताब घर की सबसे पुरानी किताब है, बगदाद के बेटे नेक और जाबाज उमार ने लिखी थी। कहते हैं इस दुनिया में अगर कोई भी सच है तो इस किताब में मिलेगा। आज तक मेरे पास ऐसा कोई सवाल नहीं आया जिसका जवाब इस किताब में ना हो। अलादीन काबिल है या नहीं, अब इस बात का जवाब भी हमें ये किताब ही देगी। हथौड़ा? कोई आम हथौड़ा नहीं, जनाब उमार का पाक हथौड़ा। लोहारा, कहते हैं वो इंसान नहीं फरिश्ता थे, इसलिए लोहारा को वही उठा सकता है जो उनकी तरह नेक और सच्चा होगा। अब इम्तिहान के लिए अलादीन को लोहारा उठाना होगा। पर वो तो कहीं से भी नेक और सच्चा नहीं लगता, निकम्मा कहीं का। पर सुल्तान को लगता है कि वो बहुत काबिल है। अब जब उनका काबिल अलादीन लोहारा को उठाना तो दूर हिला भी नहीं पाएगा, वो खुद ही उसे तालीम घर से बाहर कर देंगे। लेकिन आका के अब्बू, उन दोनों को तो कुछ भी याद नहीं, यहां तक कि उन्हें अपनी मोहब्बत भी याद नहीं। ऊपर वाला सब देख रहा है अंगूठी छाप, उस पर यकीन करो, रुखसार के इम्तिहान से सब बदलने वाला है। तो कल शहजादे का इम्तिहान होगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि सुल्तान ने जिद की, वरना बड़ी उस्ताद अच्छे से जानती है जो इंतहा मैं पूरा नहीं कर पाया वो बिगड़ेल शहजादा क्या करेगा। शिफान, जरा संभाल कर, तुम्हारा यकीन गुरूर में बदलता जा रहा है। अपने दुश्मनों को इतना कमजोर भी नहीं समझना चाहिए। शिफान, दुश्मनी भी अपने बराबरी वालों से करता है और दोस्ती भी। उसे मेरे दुश्मन का दर्जा दे के मेरी तोहीन मत कर। बात तुम कुछ भी कहो, उस शहजादे में कुछ तो बात है, और बाकी का कल मुकाबले में पता चल जाएगा। बड़ी उस्ताद ने मुझे यास्मीन की मदद करने को कहा था, मैं जाती हूँ। कल तुम्हारी हार पक्की है अलादीन। अलादीन ज्यादा दिन यहाँ रहता तो मेरी बरसों की मेहनत को भी खराब कर देता, पर अब उसकी किस्मत का फैसला हो चुका है। वो लड़का बहुत बड़ी मुसीबत है, और अब मेरी ये मुसीबत जनाब उमार का पाक लोहारा कल ही दूर कर देगा। ओ। ओ।
लड़के। अरे इस गद्दे पे सोने से तो अच्छा है मैं घोड़े की तरह खड़ा होके सो जाऊं। जिनू 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 सो जाओ सो जाओ, बस एक रात एक रात। आका ये इतनी बकवास जगह है कि हमें नींद ही नहीं आ रही। बस एक रात जिनू, बस एक रात। एक रात आका? एक रात नहीं, एक महीना गुजारना है यहाँ पे। उससे पहले यहाँ से बाहर जाने की इजाजत नहीं है। जिनू हमें बाहर जाने की इजाजत नहीं है ना? अगर बड़ी उस्ताद में खुद यहाँ से बाहर भेज दे तो। बड़ी उस्ताद हमें खुद यहाँ से भेज दे? कैसे? शहजादे को देख के तो लग ही नहीं रहा है कि इनका इम्तिहान है। कैसे हंसते बातें करते जा रहे हैं। वो काली चोरनी कहाँ गई? ठीक है, शुक्रिया। ए जीनू, बगैर सहारे के ना चल पा रहे वालों की यहाँ कोई जगह नहीं। बिगड़े हुए शहजादे, लड़कियों से बात करने की तमीज सीख लेते तो बेहतर होता। हम सीखते नहीं, सीखते हैं बच्चे, बच्चे। हम शहजादे और शहजादे से सिखाते हैं। शहजादे से सिखाते हैं, जैसे कि हाथों पे चलना, मुर्गी की तरह बांग देना, या फिर अपनी जीप को अपनी नाक से छू लेना। हो गया। समझ गया। हम सब यहाँ बातें करने आए हैं, चलें। आका के अब्बू अम्मी आका को उसी इम्तिहान के लिए लेके जा रही हैं, जिसके बारे में आप बात कर रहे थे। आका इस इम्तिहान को आसानी से पार कर लेंगे। उसके बाद अपनी आका को तालीम देने के लिए मान जाएंगे और फिर तेरे हाथ की सफर उल्टी गिनती शुरू। लोहारा 18 सालों से यहाँ है, कितनों ने कोशिश की पर कोई इसे हिला नहीं पाया, चिपान भी नहीं। मतलब ऐसी कौन सी कील ठोकनी है जो यही हथौड़ा चाहिए, कोई और हथौड़ा काम नहीं आएगा? ज्यादा सवाल करने वाले जिन हमें अच्छे नहीं लगते। तो फिर आपको कैसे जिन पसंद है? कैसे भी नहीं। रही बात लोहारा की, तो इसे तो मैं ही उठाऊंगा। हमें पूरा यकीन है शिफान कि ये सबसे मुश्किल इम्तिहान एक दिन तुम ही पार करोगे, क्योंकि अल्लाह का बंदा, नेक और सच्चा इंसान ही लोहारा को उठा सकता है। नेक और सच्चा इंसान ही लोहारा को उठा सकता है। फिर तो हो गया काम। निकम्मे शहजादे का तो नाड़ा भी खुल जाए तो वो नाड़ा बांधने वाला नौकर बुलाए, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। पता नहीं क्यों सुल्तान को लगता है कि ये काम तुम कर सकते हो, तो चलो शुरू हो जाओ। क्या शुरू हो जाओ? लोहारा को उठाओ। 18 साल से इसे कोई हिला नहीं पाया। कोई बात, ये तुम्हारे
दाया हाथ खेल। अपने दाया हाथ से खेलो ना, जो तुम दिखा रहे हो वो तुम्हारा बाया हाथ है। सही खेल गए, सही खेल गए। क्या फर्क पड़ता है दाया हो या बाया, हाथ तुम्हारी है। शहजादे, इस हथौड़ी को उठाने के लिए उंगलियां कसी हुई, कमर सीधी, सांस गहरी और एक झटके में उठाना ही मुनासिब है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है। आप इसके लिए कोशिश कीजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे। लेकिन अब तो इन्हें दुआएं भी कहां ही बचा पाएंगे। आओ जुनू, चलते हैं, चलते हैं। रुको, इम्तिहान तुम्हारा है, तुम्हारी पूरी फौज का नहीं। इम्तिहान लेना आपको है, आपकी फौज को नहीं। बदतमीज शहजादे। शहजादे ऐसे ही होते हैं, और हम जिन्हों को इसलिए ले जा रहे हैं ताकि हमारे यहाँ पे दिल लगे। लेकिन फिर भी अगर आपको हम पर शक है कि हम इससे जादू इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप भी हमारे साथ चलिए। ठीक है, जाओ, दोनों जाओ, हम यही तुम्हारा इंतजार करेंगे। और हाँ, सब्र रखिएगा, हम आएंगे जरूर। साल लग गए, आखिरकार मैं सफर का यकीन हासिल करने में कामयाब हो ही गया। उस कमीने की जादुई रस्सी से तो अभी भी मैं बंधा हूं, लेकिन आज का खास दिन देखने के लिए मैं बाहर तो आ पाया। आका, मैं आपके साथ हूं, आपके साथ हूं। आज तो डर दिखाइए। देखते जाओ जिनू, अब हम क्या करते हैं। अभी से ही पैर लड़खड़ाने लगे। उठो, ये यहाँ बस अपनी और मेरे मुल्क की नौक कट पाएगा। आगा, जब भी गिरता है तो वो होता है, आप हंस क्यों रहे? तीनों, क्योंकि चाल की खिचड़ी पकाने में थोड़ी देर लगती है। खिचड़ी? आपको इसमें भूल है? देखते जाओ। शिफान, तुम जाकर देखो। क्या हुआ? अरे बिल्ली का निकाह हुआ। अबे अंधे, दिख नहीं रहा आका को मोच आ गई है। क्या बात है, क्या बात है, सही खेल गए शिफान। तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, तुम्हें तो मालिश वाला होना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहता, बहुत अच्छा रहता। तुम्हें भी अपने मुल्क लौट जाना चाहिए, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। शहजादे बाकी लड़कों से कितने अलग है, ये ऐसे ही गड़बड़ करता रहा तो ताज नहीं पर ताज को पहनने वाले अय्यार सुल्तान से सजा मिलेगी बस। क्या हुआ? अब जाओ लोहारा उठाओ।
फिर से कोशिश करो। अरे कब तक? तब तक हमारी जान ना चली जाए? अरे तोबा तोबा, जान जाए आपके दुश्मनों की? तो हार मान लो, सुल्तान से हम कल कह देंगे कि तुम इम्तिहान पार नहीं कर पाए। तो फिर वापस चले बड़ी उस्ताद जी। आका उठिए, आका क्या आप हार मान जाएंगे? आपके अब्बू का यकीन और मेरा 18 बरस का इंतजार क्या बेमतलब था? अभी अभी लौट रही है आका, उठिए। शहजादे, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? बहुत दर्द है। वो क्या है ना, हमारे चोट खाने वाले नौकर नहीं आए ना, इसलिए हम शहजादे हैं ना शहजादे, नहीं तो हमेशा वही चोट खाते हैं। अच्छा, आप रुकिए, मैं अभी आई। शहजादे रुकिए। अरे रे, ये तो बहुत मामूली सी चोट है। दरअसल तुर्किस्तान में लड़कियों ने इन्हें जूते, चप्पल, झाड़ू सबसे मारती थी। हाँ, लेकिन ये रे पहली बार है शायद। काम ऑन लड़के, ये शहजादे हैं शहजादे, इन्हें जूता चप्पल के बारे में कुछ पता नहीं है। हाँ। आप सब ना बहुत मजा किया है। इन लोगों को जाने दो। आप हमारे मरहम ना कहिए। क्या बात है। यहाँ पे भी। हकीम साहिबा, आपके भाई जा चुके। तो तुम उनके साथ क्यों नहीं चले गई? अब वापसी में तुम गिरोगी, तुम्हें कौन उठाएगा? नहीं नहीं, हमें ज्यादा देर हो गई तो बड़ी उस्ताद और शिफान भाई जान नाराज होंगे। शहजादे जी, हम चलते हैं, अलविदा। अभी अलविदा ना कहना। क्या था ये सब कुछ? झूठ झूठ, सब झूठ था। मेरी कोशिश भी झूठ थी, मेरा गिरना भी झूठ था, और ये सब देख रही हो ना, ये भी झूठ है। हम समझाते हैं। हम मतलब तुमने लोहारे को निकालने की बिल्कुल कोशिश नहीं की? इतनी सी भी कोशिश नहीं करी, इतनी सी भी नहीं। अब देखना, अब यहाँ जो कुछ भी हुआ बड़ी उस्ताद जाकर सुल्तान से बताएंगे, फिर सुल्तान हमें खुद ही बाहर निकाल देंगे। क्या बात है, इस बार तो तुम सही खेल गए। मतलब अब हमें यहाँ 1 महीने रुकने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ताज कैसे चुराएंगे? तुम बहुत सोचती हो। जिस तरह हमने यहाँ से निकलने का इंतजाम कर लिया, इसी तरह हम ताज चुराने का भी इंतजाम कर लेंगे।
आका, ये सब गलत हो रहा है और इस गलत को सही करने का वक्त आ गया है। मैंने आप ही से हार ना मानना सीखा है और इस बार आपको मैं रोकूंगा। मैं